एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने पिछली क्लास में देखा था, हमने करा था क्लास 7 का चैप्टर 1 साइंस का न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। हमने पिछले लेक्चर में हमने दो टॉपिक्स कवर करे थे, न्यूट्रिशन, व्हाट इज न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो फिर से देखिएगा मेरे चैनल पे, और नहीं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी। तो आज हम करने वाले हैं उस चैप्टर का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। तो ये टॉपिक बहुत बड़ा था, इसलिए मैंने ये पूरा एक लेक्चर इसी पे कवर करा है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें है, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। तो जैसे कि अगर आपने कभी एक लीव को या किसी भी अपने पॉट के किसी भी लीव को फील करके देखा होगा, आपको थोड़ा ऐसा लगेगा कि जैसे उसमें पोर्स जैसे कुछ होंगे, वो थोड़ा रफ लगेगा, स्मूथ नहीं लगेगी, थोड़े रफ जैसा टेक्सचर आएगा उसमें। तो वो बेसिकली जो दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स, तो वो गार्ड सेल से सराउंडेड होते हैं। सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमाटा। तो जो आप स्पोर्स फील करते हैं वो बेसिकली स्टोमाटा होते हैं। और जो पोर्स होते हैं, जैसे मतलब जो वो स्टोमाटा होते हैं, वो सराउंडेड होता है गार्ड सेल से। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स एंड वेसल्स विच रन लाइक पाइप्स थ्रू आउट द रूट्स, द स्टेम, द ब्रांचेस एंड द लीव। अगर जैसे आपने कभी कोई पाइप्स वगैरह देखे होंगे, या कभी कहीं पे डिगिंग हो रही होगी तो वहाँ पे पाइपलाइन देखी होगी, तो वो बेसिकली एकदम स्ट्रेट लाइन में होती है और डायरेक्टली आपके हाउसेज में और सब जगह जाते हैं। तो ऐसे ही प्लांट्स के भी अंदर होता है, जो उनकी बेसिकली वेसल्स होती है। वेसल्स मतलब ऐसे, जैसे ये प्लांट है, ये प्लांट है, तो वेसल्स वगैरह इन स्टेम है, जो आप देखते होंगे ग्रीन पार्ट स्टेम का, इसके अंदर ऐसे पतली पतली ऐसी पाइप जैसी पूरे प्लांट में स्प्रेड होती है, जो रिस्पॉन्सिबल होती है वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने में लीव्स के अंदर। और जो ये वाटर और लीव जो है सोक करते हैं, वो रूट से स्टेम में और ब्रांचेस में और लीव में सब जगह वो चीज ट्रांसपोर्ट करते हैं। दे फॉर्म अ कंटिन्यूस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीव। तो उन वो जैसे बीच बीच में रुकते नहीं है, जैसे एक घंटे के बाद एक पर्टिकुलर टाइम नहीं होता, वो 24 आवर्स मतलब ट्रांसपोर्ट करते रहते हैं। जब भी बेसिकली क्या होता है, इसमें जो वाटर होता है वो रूट्स में स्टोर होता है। तो जब भी प्लांट्स को जरूरत होती है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करने के लिए, जो रूट्स होती है वो पानी को एब्जॉर्ब करके रखती है, तब फिर ये जाइलम की मदद से, जाइलम जो ये आप आगे पढ़ेंगे वेसल्स वगैरह, इससे वो ट्रांसपोर्ट होता है ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, तो जो यहाँ पे हमने पढ़ा था ना स्टोमाटा, ये कुछ ऐसा होता है। अगर ये जो लीव के जो है पोर्स को ना, हम इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे, नेकेड आई से, नेकेड मतलब ऐसी हम नहीं देख सकते उससे, हमें एक माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है, तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, बीन शेप्ड जैसा। तो ये जो डिजाइन है, ये दो गार्ड सेल्स है, ये है गार्ड सेल्स। ठीक है, और ये जो दूसरा डायग्राम है, ये है क्लोज्ड गार्ड सेल्स। ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान होता रहता है कि वो ओपनिंग और क्लोजिंग होती है गार्ड सेल्स की। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, ये माइक्रोस्कोप के नीचे मैंने आपके लिए, ताकि आपको रियल लाइफ का एक्सपीरियंस हो, ये है बेसिकली जो पोर हमने पीछे पढ़ा था। तो अगर उसको हमने साइंटिफिकली माइक्रोस्कोप में अगर देखे, तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। ये लीफ के अदर पार्ट्स हैं, और पर ये मेन चीज है
जो हमें अभी पढ़नी है वो है इसका स्टोमाटा या फिर उसका पोल। तो ये जो चीजें हैं ये वैक्यूल्स वगैरह हैं जो आप बाद में पढ़ेंगे, और ये दो गार्ड सेल्स है जिसे मैंने पिछली बार बताया था। ये क्या है? गार्ड सेल्स। ये गार्ड सेल्स दो ही होते हैं, दो से ज्यादा नहीं होते, तो ये गार्ड सेल्स है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो अब आता है, हाँ, द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। आप सोचते होंगे कभी कभी कि लीव ग्रीन ही की होती है, पर्पल हो सकती है, ब्लू हो सकती है, या कुछ और कलर भी हो सकती है। तो लीव ग्रीन इस ग्रीन पिगमेंट जो लीव में प्रेजेंट होता है, जो जिसे कहते हैं क्लोरोफिल, उसकी वजह से होती है। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट। और ये क्लोरोफिल हेल्प करता है जो लीव, ये क्लोरोफिल बेसिकली लीव्स में प्रेजेंट होता है। ये आ सकते हैं कि क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट, ये एक आपका फिलअप या एमसीक्यू के फॉर्म पे आ सकता है। तो ये है कि जो क्लोरोफिल है वो लीव्स में प्रेजेंट होता है, और इसका फंक्शन भी आ सकता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल, राइट? तो फंक्शन क्या है इसका? इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। वो हेल्प करता है लीव्स को कि सनलाइट को कैप्चर करे ताकि हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता रहे। तो दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज और प्रिपेयर। सिंथेसाइज का मतलब प्रिपेयर या मेक, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था सिंथेसाइज का मतलब क्या होता है। फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जो अभी हमने पीछे पढ़ा था कि वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो स्टोमाटा होता है वो एब्जॉर्ब करता है, तो उसी से ये फूड बनाते हैं जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ही बोलते हैं। Since the synthesis of food occurs in the presence of sunlight, it is called photosynthesis. तो वही है जो ये synthesis मतलब preparation of food occurs in the presence of sunlight. तो मतलब ये सारी चीज करने के बाद सबसे main important, अगर ये ना भी हो, main important चीज होती है sunlight. इट इज कॉल्ड, तो उसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे फोटो का मतलब लाइट होता है और सिंथेसिस का मतलब टू कंबाइन। तो कॉम्बिनेशन इसका बनाए, तो लाइट विच इज नेसेसरी टू कंबाइन और टू मेक फॉर द प्लांट्स टू प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इट इज यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। जैसे कि आप सब जानते हैं, अगर ये बहुत यूनिक है प्रोसेस अर्थ का, क्योंकि कोई ऐसा अर्थ में लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है जो खुद से खाना बना सके एक्सेप्ट प्लांट, और वो हम ह्यूमंस और अदर एनिमल्स और ऑर्गेनिजम्स को हेल्प करता है फूड प्रोवाइड करने में। सो ऐसे ही होता है, जैसे ये है सनफ्लावर, इसको लाइट मिल रही है सन से, ये CO2 उसने एब्जॉर्ब करा एटमॉस्फेयर से। CO2 एब्जॉर्ब मैंने पिछली वीडियो में बताया था, CO2 एब्जॉर्ब कैसे करेगा? जैसे हमने मैंने बताया था ह्यूमंस ऑक्सीजन लेते हैं, इनटेक करते हैं ऑक्सीजन, और वो रिस्पायर आउट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड या CO2, ये रिस्पायर आउट करते हैं। तो वही चीज प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं, वो चीज प्लांट के लिए इतनी इम्पॉर्टेंट होती है उनके फूड बनाने में और ताकि हमें और ऑक्सीजन देने में। और ये वाटर जो रूट्स में ऑलरेडी स्टोर होता है वो वाटर ये एब्जॉर्ब करते हैं, तो उसकी वजह से जो कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह ये फूड प्रिपेयर करते हैं अपना। ठीक है, तो सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इट इज यूनिक प्रोसेस ऑन अर्थ। वही चीज आ गई, the solar energy is captured by the leaves and stored in plant in the form of food. जैसे पीछे वाले स्लाइड में मैंने वो इमेज दिखाई थी, तो कार्बोहाइड्रेट उसके फॉर्म पे स्टोर हुआ। तो therefore sun is the ultimate source of energy for all living organism. ये तो मैक्सिमम लोग जानते होंगे कि सन अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का। तो ये जैसे ही है, ये
इमेज जैसा आपकी समझने के लिए आसानी से मैंने दिया है। ये सन है, प्लांट को सनलाइट की जरूरत होती है ताकि वो अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैरी आउट कर सके। हाँ, ये ज्यादातर बच्चे एनसीईआरटी में या उसमें अनदेखा या स्किप कर देते हैं। ये मैं बताऊं तो ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज है और आपका हर बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये है क्या, देखते हैं। यू हैव सीन दैट बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स। ऐसी देखी होगी कि एक ब्रिक, दो ब्रिक, तीन ब्रिक, ऐसे करते करते पूरी एक बिल्डिंग बनती है, देखी होगी आप लोगों ने। सिमिलरली द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ टाइनी यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। देखिए, जैसे ये एक बिल्डिंग जैसे बने, एक सेल हो गया, दूसरा सेल हो गया, तीसरा सेल हो गया, और ऐसे करते करते सो ऑन। तो बेसिकली एक तरीके से ह्यूमंस भी सेल्स ही बनते रहते हैं, सेल्स ही से बने हुए। ह्यूमंस आर ऑल्सो मेड अप ऑफ सेल्स। सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर माइक्रोस्कोप। ये चीज तो बहुत कॉमन है कि सेल्स तो हम देख नहीं सकते, कि हम अपने ह्यूमन बॉडी में कभी नर्व्स देख सकते, कि नर्व्स में जो ब्लड फ्लो है वो हम कभी नहीं देख सकते, है ना। तो वैसे ही सेल्स को भी हम नहीं देख सकते। तो सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो वन सेल से, वन सेल मतलब जैसे ये है, ये तो बहुत सारे सेलों से बना है। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिर्फ इसका एक पार्ट से बने होते हैं, मतलब वो सिर्फ इतने से ही होते हैं, छोटे से, ठीक है। द सेल इज इंक्लोज्ड बाय अ थिन आउटर बाउंड्री कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल मेम्ब्रेन ये आप लोगों के लिए एक न्यू वर्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। द सेल इज इंक्लोज्ड बाय अ थिन आउटर बाउंड्री। तो बेसिकली ये जो इस सेल का एग्जांपल लेते हैं, ये जो ये लेयर है ना, जो आउटसाइड जो है, जिससे ये जो डिजाइन है, ये बेसिकली है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये जो इसकी आउटर जो है थिन बाउंड्री है, पतली सी, ये है सेल मेम्ब्रेन। मोस्ट सेल्स हैव अ डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। ये भी आपके लिए एक नया वर्ड है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप फ्यूचर क्लासेस में भी इसका बहुत यूज, सेल मेम्ब्रेन हो गया, न्यूक्लियस, इसका फर्दर जो अब आप सीनियर क्लासेस में आएंगे तब इसके पूरे पूरे चैप्टर्स होंगे। तो सेल मेम्ब्रेन, तो न्यूक्लियस जो है वो आप फ्यूचर में पढ़ेंगे कि ये एक, बेसिकली मैं अभी बता देती हूँ आपको कि न्यूक्लियस एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है सेल का, क्योंकि न्यूक्लियस ही पूरे सेल को फंक्शन करता है, वो ही हेल्प करता है फंक्शनिंग ऑफ द सेल, उसी की मदद से एक सेल ग्रो और चल पाता है। तो चलना मतलब इन द सेंस कि वो मतलब मूवमेंट कर पाता है, हमारी बॉडी में हेल्प करता है वो। जैसे कभी आपने देखा आपको चोट लगी हो तो और खून बहता है, तो थोड़ी देर बाद वो खून बहता है, वो तो अलग सेल का प्रोसेस है, पर फिर वो वुंड मतलब वो जो जो चोट है वो जब वो एक हम मान लेते हैं कि जब वो क्योर होती है, मतलब जब वो ठीक होती है, तो वो एक बेसिकली हेल्प करता है सेल्स की मदद से। बहुत सारे सेल, जैसे यहाँ पे कोई आपका चोट लगती, तो ऐसी ही सेल्स बिल्डिंग बनाते 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 छोटा छोटा वो पूरे चोट को भर देते हैं, और फिर वो स्किन की एक लेयर आ जाती है, फिर नॉर्मल होता है, ठीक है। तो ये है न्यूक्लियस। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। आपने कभी जैसे मार्केट में जेली खाई होगी कभी, तो वो वॉबली जैसी होती है और स्लाइमी होती है, मतलब चिपचिप होती है कभी कभी, तो वैसे ही सेल्स के अंदर होता है साइटोप्लाज्म। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये स्लाइड, ये जो डिड यू नो, आई थिंक आपके बुक में लिखा है या एक्स्ट्रा नॉलेज में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अधिकतर बच्चे अनदेखा कर लेते हैं और स्किप करते हैं कि ये सोच के कि ये नहीं आएगा, पर मैक्सिमम टीचर इसी से देती है, क्योंकि ये आपका एक नया टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये वाला नहीं समझ आया तो फिर से रीप्ले करती है, वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि जब तक समझ नहीं आएगा आप फ्यूचर क्लासेस नहीं कर पाएंगी, क्योंकि ये बेसिकली सेवेंथ क्लास बेस होती है हर फ्यूचर क्लासेस का, ठीक है।
तो आगे बढ़ते हैं। तो अब आता है फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। तो ये है, हाँ, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज सीओ टू एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स। अभी पीछे पढ़ा था कि सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सब इम्पोर्टेंट होते हैं फोटोसिंथेसिस, मतलब प्लांट्स को फूड बनाने में। फोटो का मतलब याद है आपको, हमने क्या पढ़ा था? फोटो का मतलब लाइट, सिंथेसाइज का मतलब मेक या प्रोड्यूस। ठीक है, ये पढ़ा था हमने पीछे। तो द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन एन इक्वेशन। ये इक्वेशन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लर्न करना, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो उसको लाइट एनर्जी, यहाँ पे सनलाइट है, कंफ्यूज मत होना, लाइट एनर्जी सनलाइट है। और क्लोरोफिल जो लीव्स में प्रेजेंट होता है, हमने जैसे पढ़ा था अभी, तो वो क्लोरोफिल लीव्स का है जो बनाते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज बेसिकली जो फूड प्रोड्यूस हुआ, और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ये वो ऑक्सीजन है जो हम इनहेल करते हैं। अगर प्लांट्स ना हो तो ऑक्सीजन नहीं बन सकती और हम मर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमंस और भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, ऑक्सीजन इज रिलीज्ड हमने पढ़ा था। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट्स द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। स्टार्च इज ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट, हमने पिछले वाले डायग्राम में देखा था, वो लीफ के पास कार्बोहाइड्रेट शोन हुआ था, राइट? तो बेसिकली यही था, क्योंकि वो स्टार्च कैसे इंडिकेट हुआ, जब तक उसमें फूड प्रोड्यूस नहीं होगा, जब तक उसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा, तो वही कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म वो स्टोर होता है प्लांट्स के अंदर। ठीक है, तो आगे बढ़ता है। ये जैसे डायग्राम भी मैंने दिया आपकी इजीनेस करने के लिए, ये सन हो गया, इसमें सनलाइट पड़ी, जो सीओ टू हम रिस्पायर आउट, मतलब हम ब्रीद आउट करते हैं, हम ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीद आउट करते हैं ना, वो वाटर जो रूट्स में प्रेजेंट है, वाटर मॉलिक्यूल्स, और ऑक्सीजन ये रिलीज आउट करते हैं, मतलब प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी में भी है। तो ये बेसिकली लीव्स के अंदर वो जो मैंने पोस्ट स्टोमाटा दिखाया था, तो ये स्टोमाटल ओपनिंग और स्टोमा वगैरह आपका शोन हुआ है। तो ये बेसिकली इसके और माइक्रोस्कोपिक उसमें ये चीज एक सेल का डायग्राम है, ये जो चीज है। ठीक है, ये जो चीज है एक बेसिकली इस सेल में से किसी का लिया, एक पर्टिकुलर माइक्रोस्कोप में देखे तो ये दिखेगा, पर वैसे अगर हम कंबाइंडली हम लीफ को जज करें, इसको माइक्रोस्कोप में देखें, तो कंबाइंडली ऐसा दिखेगा, पर एक सेल हम लेंगे तो ये ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो ये लीफ हुई, और इसका सेक्शन थ्रू अ लीफ, एक सेक्शन ले लिया, तो ये दोनों हो गए क्लोरोफिल, ऐसे जो लॉन्ग जो लंबे लंबे से सेल्स फॉर्म्ड हुए शेप के, और ये हो गए आपके दो गार्ड सेल्स, ये दो हो गए आपके गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स बेसिकली ये बॉटम पे प्रेजेंट होते हैं, और जो क्लोरोफिल होते हैं ये भी गार्ड सेल्स हो गए आपके, ये और ये दोनों सेम है, और ये सब आपका क्लोरोफिल हो गया, और ये जो इनके बीच में गैप है इन्हें कहते हैं स्टोमा। क्या कहते हैं? स्टोमा। अब आता है आपका स्टोमाटा, ये एक पर्टिकुलर इसका पर्टिकुलर एक सेक्शन ले लिया, तो ये स्टोमाटा, ये हो गई आपकी स्टोमाटल ओपनिंग या स्टोमेटल ओपनिंग, जो है बीच का हिस्सा, एम्प्टीड स्पेस होती है, जो जैसे मैंने पीछे वो इजी वाला डायग्राम दिखाया था आपको, ये तो थोड़ा आपके लिए कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, पर बनाना जरूरी है, ये वाला भी बना सकते हैं जो मैंने आपको दिखाया, पर आपकी जो एनसीईआरटी में गिवन है वो भी बना सकते हैं। जैसे ये है, ये मैंने बताए थे दो गार्ड सेल्स हो गए, गार्ड सेल्स, तो ये जो गैप है, ये जो गैप बचा है, ये होता है स्टोमेटल ओपनिंग, इसी की वजह से स्टोमाटा खुलता बंद होता है। अगर ये गैप नहीं होगा
अगर ही स्पेस नहीं होगी तो स्टोमाटा खुल बंद नहीं हो सकता, वो एक ही पोजीशन पे रहेगा। ठीक है, आई होप समझ आया होगा, और अगर आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को। तो अब ये है इजी करने के लिए, आपको थोड़ा बताने के लिए, कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो जो कंडीशन नेसेसरी होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, वो होती है पहली सनलाइट, दूसरी होती है क्लोरोफिल, तीसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड, और चौथा होता है वाटर। ठीक है, तो ये हो गई सनलाइट। सनलाइट हमने पीछे पढ़ी थी, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर प्लांट्स एंड इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल ऑटोमेटिकली लीव्स में प्रेजेंट होता है प्लांट्स की, है ना, प्लांट्स की लीव्स में प्रेजेंट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो हम ब्रीद आउट करते हैं और जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, और वाटर जब हम वाटरिंग करते हैं प्लांट्स को, या वो किसी पानी वाले इलाके या किसी एक्वेरियम वगैरह में ग्रो होते हो। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है, अब आपका एक टॉपिक है व्हाट इज एल्गी। ये भी आपके लिए एक नया टॉपिक है। आपने कभी अपने आसपास जहाँ पे किसी भी अगर वहां पे कोई पॉन्ड वॉन्ड हो, और आपने कभी देखा हो कि वहां पे कोई कुछ काम नहीं होता, और थोड़े दिनों में ना वहां पे एक ग्रीन ग्रीन सी लेयर बन जाती है, तो आपने कभी उसे स्टिक से छू के देखी है? स्टिक से छू के अगर कभी उठाओगे ना, वो स्लाइम है। हाथ से वो तो उठाना बहुत स्लाइमी होता है। सो यू ऑफन सी स्लाइमी, स्लाइमी मतलब चिपचिपा, ठीक है, स्लाइमी मतलब चिपचिपा ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स और स्टैगनेंट वाटर बॉडी। स्टैगनेंट का मतलब खराब, बेकार, बदबूदार कह सकते हैं आप, मतलब एक तरीके से बैड वाटर बॉडीज जो ऑलमोस्ट सड़ चुकी हो। जैसे आपने कभी रॉटन बोल सकते हैं आप, आपके क्लास के हिसाब से हम वर्ड बोल सकते हैं रॉटन। आपने कभी अपने घर में कभी रॉटन पटेटो, खराब आलू देखा होगा या खराब केला देखा होगा, तो वही चीज है। स्टैगनेंट वाटर बॉडीज दीज आर जनरली फॉर्म बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एल्गी। तो बेसिकली एल्गी आती कहाँ से? ये बेसिकली एल्गी एक ऑर्गेनिज्म ही है, ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ही है जो ग्रो होती है अगर वो एक फेवरेबल कंडीशन, मतलब एक उनको एटमॉस्फेयर चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। तो आपने कभी माउंटेन हिली एरियाज में भी देखा होगा, जहाँ जिस एरिया में माउंटेन के या जहाँ पे बड़े स्टोन्स होते हो, वहां पे जहाँ पे कोई जाता ना हो या कोई काम नहीं होता हो, तो वहां पे एक लेयर सी जम जाती है। हम उसे दूसरी भाषा में मॉस भी कहते हैं, पर वो बेसिकली एल्गी ही होती है एक प्रकार की, वो मतलब एक टाइप की एल्गी ही होती है। मॉस का दूसरा वर्ड, मॉस दूसरा वर्ड हो गया उसका। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। वाई आप सोचते होंगे वाई एल्गी भी क्यों ग्रीन होती है, वाई आर एल्गी ग्रीन? ठीक है, सो दिस इज बिकॉज दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव्स देम ग्रीन कलर। सो मैंने जैसे पीछे बताया था कि प्लांट्स की लीव्स में प्रेजेंट होती है क्लोरोफिल, तो ऐसी जो इनको अगर माइक्रोस्कोप के अंदर देखें, तो इसके इनके अंदर भी ऐसी एक बिल्डिंग सेल्स की बनी रहेंगी। जो सेल्स मैंने पीछे पढ़ाए थे ना, याद होंगे, तो ये सेल्स जैसे ये बिल्डअप होके ये एक पूरा एल्गी बनाते हैं, और इन्हीं सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। ये जो ग्रीन ग्रीन आप देख रहे हैं, ये गोल गोल से ये स्टैक्स में, ये होते हैं आपके क्लोरोफिल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम्स में, वाई आर एल्गी ग्रीन? तो ये क्वेश्चन आप लिखिए, एल्गी आर ग्रीन बिकॉज दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव्स देम द ग्रीन कलर। एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। ये भी वही प्रोसेस से करते, क्योंकि ये भी एक प्रकार का, अगर हम देखें इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, इसलिए पानी के पास उगता है, मतलब वाटर मतलब स्टैगनेंट मतलब खराब पानी के पास, तो बेसिकली हम इसको मान सकते हैं कि एक प्लांट की कैटेगरी में है, राइट? हम इसको एक प्लांट की कैटेगरी में डाल सकते हैं। सो बेसिकली इसीलिए एल्गे भी अपना खुद का फूड बना सकते हैं बाय फोटोसिंथेसिस। ये आपका भी फोटोसिंथेसिस ये प्रोसेस हो गया, आपका पिलप आ सकता है विच अदर फॉर्म
ऑफ प्लांट या गैस कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। तो उसमें प्लांट वर्ड लिख के आ जाना, ऑल्सो अगर लिखा हो ना तो समझ लेना एल्गे है, ठीक है, क्योंकि एल्गे भी एक प्रकार का, हमने अभी बताया मैंने कि वो एक तरीके का प्लांट कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, तो यही आज का लेक्चर है, क्योंकि